भारतीय टीम में फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे ईशान किशन ने 6 मंथ्स के अप्स एंड डाउन्स भरे दौर से गुजरने के बाद अपने कमबैक जर्नी शुरू की है। पिछले 6 महीनों में उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में टीम में अपनी जगह के साथ साथ अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ा था। ऋषभ पंत, संजू सैमसन से कॉम्पिटिशन को लेकर भी ईशान ने खुलकर बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो में। टीम के सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक ईशान किशन के लिए पिछले 6 महीनों का समय काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसके कारण उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय टीम से अपनी जगह गंवानी पड़ी। साथ ही बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जगह नहीं दी। ईशान, who hasn't played for India since December last year, opened up about competition within the team, especially considering the form the likes of Rishabh Pant and Sanju Samson have shown of late, earning the selectors nod for T20 World Cup 2024. जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भी संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल को ईशान किशन के ऊपर प्रेफर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में ईशान ने कहा कि वह पंत को नेशनल टीम में वापसी करते हुए देख बहुत खुश है और वो भी कुछ इस अंदाज में। जहां तक कंपटीशन का क्वेश्चन है, किशन दूसरों को चैलेंज करने के लिए तैयार है और उन्हें तीनों फॉर्मेट्स में टीम में वापसी की उम्मीद भी है। ईशान ने कहा, कंपटीशन आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो उनका स्टेटमेंट था, इट वॉज हार्टनिंग टू सी ऋषभ बैक इन एक्शन। As far as competition goes, you love challenges and when you compete with all the quality cricketers, it enhances your game and then when you make it, you feel like you have earned it. I know it's not going to be easy, but I feel competition gives you that feeling of satisfaction. I enjoy it, I don't take any stress about it, he told the paper. नेशनल टीम के लिए अपनी एम्बिशंस पर ईशान ने कहा कि वह खुद को तीनों फॉर्मेट्स में देखते हैं, जैसा कि उनके ब्रेक लेने का फैसला करने से पहले था। He said, I see myself playing in all three formats. I have done well in T20Is, ODIs and Test as well. I want to be part of all three formats. उन्होंने कहा, खुद को फिट रखना और आने वाले टूर्नामेंट के लिए तैयारी करना। मैं भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ। इस समय मेरा ध्यान केवल इस बात पर है कि मैं 6 महीने पहले की तुलना में बेहतर और अलग खिलाड़ी कैसे बनूं। मैं कुछ इनोवेटिव शॉट्स और अपनी विकेट कीपिंग पर काम करूंगा। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में सोचने की जगह ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैं डोमेस्टिक सीजन शुरू होने का वेट कर रहा हूं। मैं झारखंड के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं और फिर देखते हैं। तो ये सब कहना था विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन का। ईशान किशन ने भारतीय टीम से बाहर किए जाने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्नब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं किसी भी बात को लेकर दुखी नहीं होना चाहता, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखूंगा। विकेट कीपर बल्लेबाज ने एक्सेप्ट किया कि पिछले कुछ महीने डिप्रेसिंग थे और जो कुछ हुआ उससे उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि यह सब उनके साथ क्यों हुआ। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।